तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज के बारे में। जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है जब दो से अधिक जब चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तो इसका यूज़ करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि दो चार्जेस के लिए कूलॉम लॉ परफेक्ट होता है। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रिंसिपल है और ये ग्रेविटेशन के लॉ में भी एप्लीकेबल है। इनफैक्ट जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं उन सभी के लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, तो यहाँ भी उसको अप्लाई कर सकते हैं हम। तो इसके कुछ पॉइंट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो इनका यही होता है कि ये हमें किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने के लिए इनेबल करते हैं जब ढेर सारे नंबर ऑफ़ चार्जेस प्रेजेंट होते हों किसी भी सिस्टम में। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि दो चार्जेस के बीच में, किसी भी सिस्टम में दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस के वजह से अफेक्टेड नहीं होगा। यानी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो सेम वही लगेगा, भले कोई चार्ज उनके बीच में आ जाए चाहे कहीं आ जाए, दैट विल नॉट अफेक्ट दिस फैक्ट। और जो तीसरी चीज़ है वो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिफाइन करती है वो ये कहती है कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर है विद रिस्पेक्ट टू, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है वहाँ पे, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, टोटल जो फोर्स होगा वो वेक्टर सम होता है उस चार्ज के बीच में और हर एक चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्सेस का। जो इंडिविजुअल फोर्सेस उसके उस चार्ज के बीच में और हर एक चार्ज के बीच में लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम टोटल फोर्स ऑन दैट चार्ज हो जाएगा। यही बेसिक लॉजिक होता है रिगार्डिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे ये काम करता है, कैसे सिस्टम ऑफ चार्जेस जब होंगे तो किसी भी चार्ज के ऊपर कैसे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो कंसिडर करते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस को जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस हैं अवेलेबल, और हमें लेट सपोज़ कि Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है। जो भी सिस्टम में जो चार्जेस प्रेजेंट है Q2, Q3, Qn लाइक दैट n Qn तक प्रेजेंट होते हैं तो उसके थ्रू निकालेंगे। तो कूलम्स लॉ का ही यहाँ यूज किया जाएगा सबसे पहले, जिसमें फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 के ऊपर फोर्स Q2 के वजह से, तो उसको हमने F12 से डिनोट कर दिया। इसके बारे में हमने बात कर लिया हुआ है कि जिस भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा उसका यहाँ 1 लिख देंगे, और जिस पार्टिकल के द्वारा लगाया जाएगा वो 2 रखा जाएगा यहाँ पे। तो Q2 के वजह से Q1 के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है वो F12 है, और जिसकी वैल्यू Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो R12 कैप है वो यूनिट फैक्टर है, या कह सकते हैं कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम चार्ज Q1 to Q2, ठीक है। और K का जो सीधा सीधा मतलब है 1/4πε0 है, जिसकी वैल्यू 9×10⁻⁹ होती है, तो K का मतलब यहाँ वही चीज़ हो जाता है। सिमिलरली आप F13 मतलब Q3 के वजह से Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो उसकी वैल्यू भी सिमिलरली डिटरमाइन कर सकते हैं पूरी तरीके से डायग्राम को देख करके। सिमिलरली F14 को भी डिटरमाइन किया जा सकता है, और इस तरीके से हम F1N को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी nth चार्ज के द्वारा Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है। वो हो जाएगा K Q1 Qn upon R1N whole square R1N cap। अब नेक्स्ट जो चीज़ है जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है वो ये है कि जो टोटल फोर्स Q1 के ऊपर लगेगा वो वेक्टर सम होता है ऑफ ऑल द फोर्सेस जो हमने पीछे कैलकुलेट किया F12, F13, F1N तक। तो लेट सपोज करते हैं कि जो F1 है वो टोटल फोर्स है जो चार्ज Q1 के ऊपर लग रहा है, तो F1 = F12 + F13 F14 + F1N, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ सारी वैल्यूज़ को ले जा करके हमने पुट किया यहाँ पे, F1 = जो भी हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ था उन सभी चीज़ों को यहाँ ले जा करके पुट कर दिया गया।
अब हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशंस थी, कि Q1 को कॉमन ले लिया गया है, यहाँ से कॉमन निकल रहे थे Q2 अपॉन जो भी चीज़ें आई यहाँ लिख दिया गया सीधे सीधे, और फिर F1 वेक्टर इज इक्वल टू हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि Q1 समेशन I इज इक्वल टू 2, क्योंकि Q2 से ही हम कैलकुलेट करेंगे, Q2 ही फोर्स लगा सकेगा, Q1 से तो होगा नहीं क्योंकि Q1 के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, तो I इज इक्वल टू 2 से N तक क्यू आई अपॉन आर वन आई होल स्क्वायर आर वन आई कैप, जो भी आई एथ चार्ज रहेगा तो जो टोटल फोर्स होगा वो वेक्टर सम हो जाएगा सारे के सारे फोर्सेस का, जो कि क्यू वन और इंडिविजुअली क्यू टू क्यू थ्री और क्यू एन के बीच में ऑपरेट हो रहा है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स एंड रिलेटेड टू बोर्ड एग्ज़ाम्स।